तो आज की क्लास में पढ़ेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज और क्या खास है उसके बारे में। जैसे कि हम लोगों ने सीखा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मोटा मोटी पांच तरह के डिसेबिलिटीज हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल बिहेवियर, डिसेबिलिटीज कॉज ड्यू टू क्रॉनिक प्रॉब्लम और मल्टीपल डिसेबिलिटीज। मोटा मोटी अगर देखें तो अगर मल्टीपल डिसेबिलिटीज को अलग रखा गया है तो बाकी की ये चार तरह की डिसेबिलिटी शायद किसी न किसी तरह के यूनिक डिसेबिलिटी में गिने जाएंगे। जब मल्टीपल डिसेबिलिटीज होता है तो खास क्या हो जाता है ये समझाने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण दिया गया कि राजू एक लड़का है जिसे कि सुनने में और देखने में दोनों में तकलीफ है। अगर सुनने और देखने दोनों में तकलीफ है तो कहां जाएगा बच्चा? आप लोग एमएड कर रहे हैं विजुअल डिसेबिलिटीज में, अगर आपके पास आता है तो क्या आप पढ़ा लेंगे उसको? ये पूछा गया आपको? नहीं, आप क्या करेंगे? आप भेजेंगे कि जाओ किसी हियरिंग इंपेयर्ड वाले के पास, जाओ हियरिंग इंपेयर्ड में स्पेशल एजुकेटर जो होगा वो बोलेगा कि ना ना हमने तो सिर्फ हियरिंग इंपेयर्ड को बोलना सिखाया है, आप किसी और के पास जाओ क्योंकि ये डेफलाइन कॉम्बिनेशन है। वैसे ही अगर एक बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी वाला आ जाए तो सेरेब्रल पॉल्सी जहां पर की मोबिलिटी भी सिखाना है आपको, जहां पर की कम्युनिकेशन भी सिखाना है आपको, जहां पर की एजुकेशन भी सिखाना है और हो सकता है सेंसेशन और परसेप्शन या सेंसरी इंटीग्रेशन सिखाना पड़े, तो वो भी ये बोल जाएगा कि आप इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, उसके पास जाएं, क्योंकि कोई भी एक डिसिप्लिन चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, चाहे वो हियरिंग का हो, चाहे वो विजुअल डिसेबिलिटी का हो या चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हो, पूरी तरह से मल्टीपल डिसेबिलिटी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो किया क्या जाए? ये बच्चा अपने माँ बाप के साथ आमतौर पर जिस जगह आता है वो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच सेटअप में। इस मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप का मतलब क्या हुआ? इस मल्टी डिसिप्लिनरी सेटअप का मतलब ये हुआ कि माँ और बच्चा अलग अलग प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। किस काम के लिए? अलग अलग हुनर या अलग अलग काम सीखने के लिए। उदाहरण के लिए राजू जाएगा किसी ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट के पास ताकि उसके सेंसरी इंटीग्रेशन में कुछ सुधार हो सके, बेहतर हो सके। वो किसी स्पेशल एजुकेटर वीआई के पास जाएगा कि भाई इसको पढ़ना सिखा दो। हो सकता किसी स्पेशल एजुकेटर एचआई के पास जाए, हो सकता है किसी ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाए, हो सकता है किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, हो सकता है किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाए। किसी न किसी के पास तो जाएगा, वो अलग अलग जाएगा और हर कोई लगभग अपना जांच या असेसमेंट और अपना थेरेपी करेगा। जब थेरेपी किया जाता है या कंसल्टेशन एजुकेशन के लिए दिया जाता है तो कम से कम 40 मिनट से 1 घंटा लगता है उसको। तो हम ये उम्मीद करते हैं चूंकि मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चा है और हफ्ता में 2 या 3 दिन उसे जाना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हर किसी के पास 1-1 घंटा कम से कम जाए और जो वो होमवर्क करे, जो होमवर्क दिया जाए उसे घर में लगभग 1-1 घंटा उसके लिए भी काम करे, इतना हम उम्मीद करते हैं। तो अमूमन अगर आप देखें हफ्ता में कम से कम 2 दिन अगर हम मिनिमम देखते हैं तो एक माँ को अपने बच्चे के साथ लगभग 24 घंटे हफ्ता में उसके साथ रहना पड़ेगा। उसके साथ उसका स्कूलिंग है, उसके साथ उसका सोशल लाइफ है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। उससे ज्यादा ये जरूरी होना चाहिए कि ये सारे के सारे लोग उसे एक शहर में आसपास मिले, क्योंकि ले जाने ले आना इतना आसान नहीं है। उसके ऊपर ये कि उसके जेब में उतने पैसे भी होने चाहिए कि हर एक थेरेपिस्ट को, स्पेशल एजुकेटर को वो उतना तनख्वाह या उतना पैसा दे सके। तो टाइम, एनर्जी, मनी, रिसोर्सेस सबका क्राइसिस होता है, पर वो यही रहा है आज के दिन। दूसरा एक अप्रोच जो कुछ ऐसे भाग्यशाली जगहों में होता है जहां की लगभग हर कोई एक छत के नीचे होता है, कुछ कुछ जगहों में होता है, हर जगह नहीं हो पाता, ध्यान रखें, क्योंकि एक साथ बैठ के एक दूसरे का सुन लेना और रिकमेंडेशन दे देना भी इतना आसान काम नहीं, ये आपको समझ में आएगा बाद में जब आप काम करेंगे। तो दूसरा अप्रोच ये हुआ कि भाई यहां तो कोई बच्चे को जानता नहीं है, अपना अपना करते हैं,
स्पेशल एडुकेटर हो सकता है कुछ काम करने के लिए बोले जो बिल्कुल ही अलग है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, लेकिन दोनों का गोल एक ही हो सकता है। वो स्पीच थेरेपिस्ट जो काम कर रहा है उसके जैसा हो लेकिन बिल्कुल ही अलग हो, तो माँ बाप तो समझेंगे कि अलग अलग है। अब अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वाले के काम में बातचीत भी कर लिया जाए तो स्पीच थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक साथ हो सकता है। ये तभी संभव है जब हर कोई एक दूसरे से बात करे। इसका मतलब एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जो कि दूसरे तरह का अप्रोच है जिससे कि हम एक मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में होता यह है कि एक केस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कि हर प्रोफेशनल, चाहे वो स्पेशल एडुकेटर हो, चाहे वो स्पीच थेरेपिस्ट हो, ऑडियोलॉजिस्ट हो, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या मेडिकल डॉक्टर हो, हर कोई एक दिन उस बच्चे के केस के बारे में बात करता है और कुछ कॉमन गोल्स बनाए जाते हैं। ये कॉमन गोल्स जो होते हैं वो ऐसे तय किए जाते हैं कि बच्चे का विकास या डेवलपमेंट के उस स्लाइस को एड्रेस करें। ठीक, तो कॉमन गोल्स मुझे पता है कम से कम कि इसकी सर्विस क्या करता है, ऑपरेशन सर्विस क्या करता है, एक साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, स्पेशल एडुकेटर क्या करता है। तो ऐसा नहीं कि पता नहीं है हमें, तो थोड़ी आसानी हो जाती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में। तीसरा जो अप्रोच है जो कि अपने में अभी इवॉल्विंग अप्रोच है, चल रहा है अभी, उसे हम ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं। तो इस ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच में अगर आप देखें तो यहां होता ही है कि जितने भी ये प्रोफेशनल है चारों तरफ दिखाए गए हैं, यहां इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में भी माँ अपने बच्चे को लेकर हर थेरेपिस्ट के पास जाती है, तो समय की मांग भी वही रहती है, लोग मिलने चाहिए उसकी भी मांग वही रहती है, पैसे की भी मांग वही रहती है, उसमें कोई कमी नहीं होती दोनों अप्रोचेस। तीसरा अप्रोच ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, जिसमें कि ये जितने भी प्रोफेशनल्स हैं सारे के सारे आपको दिख रहे हैं, ये करते जाएं कि एक दूसरे को ट्रेन करते हैं, और इस प्रक्रिया को रोल रिलीज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोल रिलीज। रोल रिलीज में एक स्पीच थेरेपिस्ट एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक फिजियोथेरेपिस्ट को, एक फिजियोथेरेपिस्ट एक स्पेशल एडुकेटर को, एक स्पेशल एडुकेटर एक मेडिकल डॉक्टर को उतना बताया जाता है जितना कि उस बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए अगर एक बच्चा है जिसे की सर्वल पॉलिसी है और उसे फिट्स आते हैं, तो जब फिट्स आता है तो उसे कैसे प्लेस आउट करना है, कौन सी दवाई देनी है, फास्ट एड के लिए फर्स्ट एड के लिए करना क्या है उसको, और क्या क्या परहेज करने हैं उसको, उतनी जानकारी उस स्पेशल एडुकेटर को भी मेडिकल डॉक्टर दे देता है, उस पिस्टल पिस्टल भी देता है, उस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी देता है। तो लगभग हर किसी को ये बात पता होता है कि अगर कोई क्राइसिस आए मेडिकल तो बच्चे को क्या करना है और अमूमन कौन कौन सी दवाइयां देता है। वैसे ही एक स्पीच थेरेपिस्ट बताया जाता है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कि जब आपने खेल करना है इस तरह से तो मेरे ये टेक्निक है, सेल्फ टॉक पैरेलल टॉक मॉडलिंग, मॉडलिंग में सेल्फ करेक्शन वगैरह, एक्सटेंशन एक्सपेंशन, ये तरीके हैं जिससे कि आप बच्चे के साथ बात कर सकते हैं ताकि ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट भी हो जाए और साथ में स्पीच थेरेपी भी हो जाए। वैसे ही एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिक काउंसलिंग टिप्स, किस तरह से हम अप्रोच करेंगे एक माँ को एक बाप को और उनकी क्या क्या तकलीफें और दिक्कतें होती हैं, और अगर दिक्कतें होती हैं तो बोलना क्या है आपको, बच्चों को उसके भाई बहनों के साथ इंटरेक्ट कैसे करना, उसके स्कूल में बात कैसे करना, ये छोटी छोटी चीजें बताया जाता है, सिखाया जाता है, सुपरविजन में कराया जाता है, जिससे होता है ये कि लगभग हर कोई तैयार हो जाता है इस बच्चे के साथ काम करने के लिए इन कंसल्टेशन जहां भी जरूरत पड़े। तो माँ बाप को और बच्चे को एक थेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, वो थेरेपिस्ट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हर एक कॉग्निटिव स्पीच लैंग्वेज ऑडिशन कॉग्निशन एजुकेशन सारे के सारे जो डायमेंशन है उस थेरेपिस्ट को या उस प्रोफेशनल को पता होता है। वो इमोशनल बड़ा आसान होता है, माँ के लिए समय की बचत होती है, इंटीग्रेटेड एक्टिविटी मिलता है। हम उम्मीद तो यही करते हैं ना कि उस बच्चे के साथ माँ भी फिजियोथेरेपिस्ट की एक्टिविटी समझ जाए, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट की एक्टिविटी समझ जाए, ऑडियोलॉजिस्ट की एक्टिविटी समझ जाए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के काम को भी समझ जाए। उससे बेहतर यह होता है कि ये सारे के सारे प्रोफेशनल समझ जाए। समझ आई बात? तो इस प्रोसेस में एक सिंगल केस मैनेजर होता है और रोल रिलीज मैंने जो बताया वो दो चीजें होती हैं इसमें, और हर एक व्यक्ति तैयार होता है इस काम को करने के लिए। ये ऐसा संभव है क्या
कंसेप्चुअली अगर देखें तो हिंदुस्तानी खाना जो है वो अपने में एक आयुर्वेदिक डाइट है, ठीक है, जिसमें कि आप हल्दी भी डाल देते हैं एक अनुपात में, जिसमें भी जिसमें कि आप धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि तमाम तरह की वो स्पाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं जो कि शरीर के लिए हित में है, जो कि एक प्राइमरी प्रिवेंशन का काम करती है, करती है, माता है बिना जाने बनाती है उसको, तो वो परंपरा में डाल दी गई है। तो ये एक तरह का माँ एक ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर का काम करती है, जहाँ की वो मेडिकल भी देख लेती है, न्यूट्रिशन भी देख लेती है, बच्चों को समझा बुझा भी जाती है, काउंसलर का भी काम कर जाती है, पढ़ा भी जाती है, एजुकेटर का भी काम कर जाती है, बात करना तो सिखाती है, तो स्पीच सर्विस का भी काम कर जाती है, कर जाती नहीं कर जाती, ठीक है। ऐसा हिस्ट्री में कभी हुआ क्या? एक बार क्या हुआ कि मैसूर में एक राक्षस हुआ महिषासुर, ठीक है, ब्रह्मा को वो तपस्या किया तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया, तो वरदान जब दे दिया तो काफी ताकतवर हो गया था राक्षस, मति हुई भ्रष्ट, इसलिए वो हर किसी के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर गया और लोगों को सताना शुरू कर गया। क्यों? दुर्गा मानती है ना, इसलिए चलो दुर्गा ऐसी आई, देखो। तो हुआ ये कि जब हर कोई परेशान होने लगा, ब्रह्मा विष्णु महेश परेशान होने लगे, तो देवता गए कि भाई ये परेशान कर रहा आपके वरदान से, तो जब परेशान कर रहा है ये आदमी, किया क्या जाए? तो ब्रह्मा बोले भाई मेरे हाथ से बाहर चला गया, ये मल्टी पावर हो गया। विष्णु बोले ये भी मेरे हाथ से गया, और शिव जी बोले ये भी मेरे हाथ से गया, तो क्या किया जाए? तो सब मिलके बोले कि चलो भाई मैं अपनी कुछ शक्ति दे देता हूँ। विष्णु बोले मैं अपनी कुछ शक्ति दे देता हूँ, कुबेर बोले मैं कुछ दे देता हूँ, वरुण बोले मैं कुछ दे देता हूँ, शिव जी बोले मैं कुछ दे देता हूँ, और उन्होंने तैयार किया एक शक्ति को जिनका नाम दुर्गा है। तो दुर्गा माँ का अपना कोई विशेष शक्ति नहीं है, सबकी मिली हुई है। तो वो एक तरह के ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर थी जिन्होंने महिषासुर का वर्णन किया, ऐसा नहीं कि दुर्गा जी के आने से शिव जी की महिमा घट गई या विष्णु जी का महिमा घट गया या ब्रह्मा जी का महिमा, किसी का महिमा नहीं घटा, लेकिन उस समय के लिए उस तरह का जो असुर आया था या उस तरह की जो परिस्थिति आई थी उसको निपटने के लिए एक ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर की जरूरत थी। तो ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर चाहे आपके पूजा घर में हो देवी या घर में हो, हिंदुस्तान में ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर रहे हैं और ये संभव है। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि जो ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर तैयार होता है वो खुद में इतना सशक्त होता है कि वो प्रोफेशनल बाउंड्रीज को की इज्जत करता, आदर करता है। मतलब मान लीजिए कुछ किस तरह से साइकोलॉजी सीख जाता है तो वो खुद को साइकोलॉजिस्ट नहीं बोलना शुरू करता है, ना ही वो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना शुरू करता है। वैसे एक स्पेशल एजुकेटर लाइफ किस तरह से सीख जाता है कुछ जो कि उस बच्चे के लायक काम का होता है, तो खुद को स्पीच थेरेपिस्ट क्लेम नहीं करना शुरू करता है, ना ही स्पीच थेरेपी की क्लासेस देना शुरू करता है। सबसे बड़ी कठिनाई यहाँ होती है। इसलिए जिस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश एक नंबर के भगवान रहे इसलिए उन्होंने दुर्गा पैदा किया, तो ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर खुद के क्षेत्र में अपने फील्ड में एक नंबर का होना चाहिए। तो जो रोल रिलीज के लगभग 7 या 8 प्रोसीडियर्स हैं उसमें पहला स्टेज जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी पढ़ाई को भली भांति जाने। तो इसलिए ट्रांसडिसिप्लिनरी सुनने में इतना अच्छा लगता है, करने में और एक ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर तैयार होने में काफी समय और मेहनत लगता है। किसका मेहनत लगता है? जो वर्कर तैयार होगा, जो थेरेपिस्ट तैयार होगा, जो स्पेशल एडुकेटर तैयार होगा, उसको काफी मेहनत करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे के सारे मेहनत करेंगे और ट्रांसडिसिप्लिनरी वर्कर बनेंगे, ठीक है।